की करेंगे। मोदी कैबिनेट 3.0 का गठन हो चुका है, मंत्रियों ने पदभार भी संभाल लिया है, यानी पूरी रफ्तार से अब काम किया जाएगा। राजस्थान से 4 मंत्रियों को कैबिनेट में जगह मिली, जिसमें अर्जुन राम मेघवाल, भूपेंद्र सिंह, भागीरथ चौधरी और गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम भी शामिल है। नई सरकार में मंत्रियों ने संभाला कार्यभार, विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद शुरू किया गया काम। अर्जुन राम मेघवाल ने संभाला कानून मंत्री का पदभार, भूपेंद्र यादव ने संभाला पर्यावरण मंत्री का कार्यभार, गजेंद्र सिंह शेखावत ने संभाला संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय का जिम्मा। मोदी सरकार की नई कैबिनेट काम करने को तैयार है, विभागों का बंटवारा हो चुका है और मंत्री एक एक कर विभागों को संभाल रहे हैं। इसी कड़ी में कई मंत्रियों ने अपने कार्यभार को संभाला, उन मंत्रियों में प्रदेश से 4 मंत्री भी शामिल हैं, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की, जिन्हें मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में कानून मंत्री की जिम्मेदारी मिली है। उन्होंने अपने कार्यभार को संभाल भी लिया है, इस दौरान उनका जोरदार स्वागत भी हुआ। मंत्रालय में मौजूद लोगों ने फूल बुके और मिठाई खिला करके उन्हें बधाई दी। मोदी जी के 3.0 इस कालखंड में लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी प्राथमिकता, जो हमारे क्रिमिनल सिस्टम से संबंधित 3 लॉ, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, जो बदले हैं, जो भारतीय आवश्यकता के अनुरूप बदले हैं, 1 जुलाई से वो लागू होंगे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और अलवर से सांसद भूपेंद्र यादव ने आज पर्यावरण मंत्रालय में कार्यभार संभाला। इस दौरान उन्होंने राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह के साथ अधिकारियों से चर्चा भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम के विजन और मिशन को पूरा करूंगा। मैं सबसे पहले यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार और कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे एक अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी उन्हें प्रदान करी है। इस जिम्मेदारी को मैं निर्वहन करने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करूंगा। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर से तीसरी बार जीत करके आने वाले गजेंद्र सिंह शेखावत पर पीएम मोदी ने एक बार फिर भरोसा जताया है। शेखावत को पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है, जिसे उन्होंने संभाल लिया है। कांग्रेस के करण सिंह को हराने वाले गजेंद्र सिंह शेखावत मारवाड़ का बड़ा राजपूत चेहरा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में जिस तरह से देश में आमूलचूल परिवर्तन किया, निराशा के गर्त में डूबे हुए भारत को आशा से लबरेज कर भारत विकसित हो सकता है इस विश्वास से परिपूरित कर भारत विकसित हो सकता है पूरे विश्व भर में इस संदेश को प्रतिस्थापित करने में जो सफलता प्राप्त की है, देश के मतदाताओं ने उस पर मोहर लगाई है। राजस्थान से मोदी कैबिनेट में जगह पाने वाले भागीरथ चौधरी नया नाम है, जबकि बाकी 3 पिछली सरकार में भी मंत्री थे। भागीरथ चौधरी को मोदी कैबिनेट में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली है और उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद अपना पदभार संभाल लिया है। मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी आज जिनको दायित्व मिला कृषि मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उनके सानिध्य में मुझे काम करने का मुझे अवसर मिला है। बहुत पॉजिटिव नेचर के हैं और उनके साथ काम करने का मुझे बहुत बड़ा अवसर मिला। हम मिलकर किसानों की भलाई के लिए जो जितने भी जो काम हो सकते हैं वो काम करेंगे। 71 मंत्रियों वाली मोदी सरकार की नई कैबिनेट काम के लिए तैयार है, जो आने वाले 100 दिन के सरकार के एजेंडे पर काम करेगी। अब देखना ये होगा कि पहली बार गठबंधन में सरकार बनाने वाली सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।